तो दोस्तों आदि पुरुष का कल दूसरा ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है टी सीरीज वालों की तरफ से, जो कि ऑब्वियसली हाइप बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। और भाई जहां तक हमको पता है इसकी हाइप ऑलरेडी बहुत है और हमको तो इतना तक कॉन्फिडेंस है कि इसका ओपनिंग भी बहुत अच्छा होने वाला है। तो भैया अब बात करते हैं ट्रेलर के बारे में कि आखिरकार ये लोगों ने अब क्या दिखा दिया। तो ट्रेलर वहां से स्टार्ट होता है जहां पे रावण सीता मैया को हरण करने जाता है साधु बनकर, एंड देन इसके बाद जो ये वाला शॉट है ये वाकई में हमको अच्छा लगा है। और इसके बाद श्री राम जी को पता चलता है ये बात, फिर वो युद्ध करने के लिए निकल जाते हैं। और अब बात करते हैं इसके उस मुद्दे के बारे में जो कि सभी उठाते आए हैं और उठाने वाले हैं, इसका VFX। तो भैया अगर इसके VFX के बारे में बात करें तो इसका VFX अभी भी बिलो एवरेज है। कुछ कुछ सीन्स में तो इतने खराब हो जाते हैं कि तुमको क्या ही बताएं, और कुछ कुछ फ्रेम्स इसके वाकई में अच्छे भी लगते हैं। इस फिल्म का प्लस पॉइंट इसके डायलॉग्स और इसके सॉन्ग्स होने वाले हैं। इसके गाने ने इतने हाइप बना दिए हैं कि जितना कि ट्रेलर से भी नहीं हुआ था। और अगर मेरी मानो तो इसके फाइनल ट्रेलर की कोई भी जरूरत नहीं थी क्योंकि इसकी हाइप ऑलरेडी बहुत बनी हुई है, लेकिन इस ट्रेलर में इन लोगों ने बस एक्शन ही दिखाया है। और दोस्तों इसके एक्शन के सीन्स कतई अच्छे नहीं लग रहे हैं। फिल्म के रिलीज को बस 10 दिन बचे हैं और एटलीस्ट जनता इसके गाने और स्टोरी को लेकर फिल्म तो देखेगी। वैसे तुम बताओ कि इसके फाइनल ट्रेलर के बारे में तुम क्या सोचते हो। और दोस्तों अब बात करते हैं जरा हट के जरा बच के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। अभी लोगों को ये फिल्म बहुत पसंद आ रही है जिसके वजह से इसके नंबर्स भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं और इसको रेटिंग्स भी बहुत अच्छी मिली है। इसने अपने पहले दिन कमाए 5.49 करोड़, दूसरे दिन कमाया 7.20 करोड़, तीसरे दिन कमाया 9.90 करोड़, तब इसके पहले वीकेंड का कलेक्शन होता है 22.59 करोड़, जो कि ऐसे फिल्म के लिए बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। इसने अपने चौथे दिन कमाए 4.14 करोड़ और अपने पांचवें दिन कमाए 3.87 करोड़, जिसका अभी टोटल हो जाता है 30.60 करोड़। और इससे तुम अंदाजा लगा ही सकते हो कि ये अपने पहले वीक में 35 करोड़ प्लस का कलेक्शन करेगी। तो भैया हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही था। तुम बताओ कि आदि पुरुष फिल्म के लिए तुम कितने हाइप्ड हो, अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हो सके तो शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो पे, तब तक के लिए स्टे सेफ, जय श्री राम।